हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। एंड प्लीज़ आप लोग घर पे रहिए, हम लोग भी इस टाइम घर पे हैं, क्योंकि जितना हम लोग घर पे रहेंगे उतना हम लोग सेफ रहेंगे, प्लस उतना ही जो ये वायरसेस हैं ये फैलने से बच जाएंगे एंड जल्दी ही जो है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आइए आज हम रीड करते हैं एक स्टोरी, एंड ये स्टोरी है ए क्लेवर क्रो। सो एक क्लेवर क्रो। वन डे अ क्रो फेल्ट थर्स्टी। एक दिन एक क्रो को, एक कौवे को प्यास लगी। ही फ्लू ओवर मैनी प्लेसेस इन सर्च ऑफ वाटर। वह पानी की तलाश में जो है जगह जगह घूम रहा था, जगह जगह भटक रहा था। फाइनली लास्ट में ही फाउंड एन अर्दन पोर्ट। फाइनली उसे एक अर्दन पोर्ट मिला। द पोर्ट हैड वेरी लिटल वाटर इनसाइड इट। अब इस पोर्ट के अंदर पानी जो था वो बहुत कम था। द क्रो ट्राइड वेरी हार्ड टू ड्रिंक द वाटर। क्रो ने बहुत ट्राई किया कि वो जो है वाटर पी सके। ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। द वाटर वॉज एट द बॉटम ऑफ द पोर्ट। अब इस पोर्ट के एकदम नीचे था पानी, बॉटम में था पानी। सडनली द क्रो सो सम पेबल्स एट ए डिस्टेंस। एकदम से कौवे की नज़र कुछ कंकरों पे पड़ी जो थोड़ी ही दूरी पर पड़े थे। ही एट वंस पिक्ड द पेबल्स विद हिज बीक। उसने जो है पेबल्स को अपनी बीक से उठाया, अपनी चोंच से उठाया, एंड ड्रॉप्ड देम इन टू द पोर्ट वन बाय वन। और उसने एक एक करके उन्हें पोर्ट में डालना शुरू कर दिया। द लेवल ऑफ वाटर केम अप। अब जो पानी का लेवल था वो ऊंचा हो गया, दैट मीन्स पानी ऊपर उठ के आ गया। द क्रो ड्रैंक द वाटर। क्रो ने पानी पिया एंड फ्ल्यू अवे, और वो उड़ गया। तो इस तरह से क्रो ने जो है गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी एंड मेहनत करी, पानी ऊपर उठा, उसने पिया और वो गया। तो मोरल क्या है? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी मिल जाती है। दैट मीन्स अगर कोई काम को करने की इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होती है तो वो कैसे करना है ये भी कहीं किसी ना किसी तरीके से माइंड में आ ही जाता है। ये स्टोरी जो है आप अपने बच्चों को प्रिपेयर करवा सकते हैं, जैसे कि अब नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होंगी, अगर वो ओरल लर्न कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उनको एडमिशन के टाइम बहुत फ़ायदा मिलेगा इस स्टोरी को लर्न करने से, क्योंकि ये बहुत छोटी सी स्टोरी है एंड मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दी है और बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगी एंड बहुत जल्दी से वो लोग ओरल रिसाइटेशन के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस आप लोग उन्हें हिंदी में भी समझा सकते हैं, इंग्लिश में भी समझा सकते हैं। एंड फ्री टाइम में प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को, या फिर जो खुद इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर खुद आपकी जो जो नॉलेज वीक है, आप उन वीडियोज़ को देखिए, उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग खुद की भी करिए और अपने बच्चों की भी करिए। इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, ना कि वेस्ट कीजिए कि हम बाहर नहीं जा पा रहे, हम लोग लॉकडाउन हैं, क्या करें और क्या ना करें। आइए इसको एक बार और हम हिंदी में इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। ए क्लेवर क्रो। वन डे अ क्रो फेल्ट थर्स्टी। ही फ्लू ओवर मैनी प्लेसेस इन सर्च ऑफ वाटर। फाइनली ही फाउंड एन अर्दन पोर्ट। द पोर्ट हैड वेरी लिटिल वाटर इनसाइड इट। The crow tried very hard to drink the water. He was not successful. The water was at the bottom of the pot. Suddenly, the crow saw some pebbles at a distance. He at once picked the pebbles with his beak and dropped them into the pot one by one. The level of water came up. The crow drank the water and flew away. Moral, where there is a will, there is a way. Thank you so much for watching. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. And please subscribe my channel for watching more videos like this. Bye. Have a lovely day.